गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, यस वीडियो में बात कर रहे हैं। हमने जो लास्ट लेसन लिया था वो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स पे था, और हमने काई स्क्वायर के दो तरीके के आपको फॉर्मूले बताए थे जिनके बेसिस पे आप काई स्क्वायर के द्वारा अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस, उनको आप सार्थकता पता कर सकते हो। वहाँ हम लोगों ने डीएफ की बात की थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, अगर आपको ध्यान हो तो आप पिछले वीडियोस देखिएगा। और मैंने कहा था कि डीएफ जो है वो टेबल के थ्रू आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको सेपरेट एक लेसन में बताऊँगी, तो यहाँ हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले डीएफ आप कई स्टेट्स में निकालते हैं। डीएफ बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम हम तब निकालते हैं जबकि हमें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ भी जब डिफरेंस होता है ग्रुप्स के बीच में तो कुछ डिफरेंस जो है वो कोइंसिडेंटल होता है और कुछ डिफरेंस जो है वो रियल होता है। यानी कि अगर हम कहें कि दो बच्चों के किसी एक सब्जेक्ट में, या साइकोलॉजी ले लें, साइकोलॉजी में किसी एक बच्चे के 10 में से 7 नंबर आए हैं और किसी एक के 10 में से 8 आए हैं, तो मैं अगर ये कहूँ इसके आधार पे कि जिसके 8 नंबर आए हैं वो अधिक इंटेलिजेंट है और 7 नंबर वाला कम, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग हो सकती है। बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा थोड़ी ना है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, एक नंबर का डिफरेंस है, तो वो तो कोइंसिडेंटल भी हो सकता है। हो सकता है कि उस दिन जो बच्ची आई वो थोड़ी लेट आई, वो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं भूल गई, या उसको टाइम नहीं मिला, या उसकी तबीयत ख़राब थी, या एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया जो कहीं आउट ऑफ कोर्स था, उसने पढ़ा ही नहीं और दूसरे वाले का तुक्के में ही राइट हो गया। तो कई सारी सिचुएशन है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो एक नंबर का डिफरेंस है वो कोइंसिडेंटल हो सकता है। लेकिन यदि 10 में से किसी एक बच्चे के 4 नंबर और दूसरे बच्चे के 9 नंबर आ रहे हैं, और वहाँ मैं कहूँ कि 9 नंबर वाला बच्चा 4 नंबर वाले बच्चे से अधिक इंटेलिजेंट है, तो या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अधिक इंटेलिजेंट है, तो ये काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 और 9 के बीच में 5 नंबर का गैप है, इतना गैप कोइंसिडेंट की वजह से नहीं हो सकता। तो ये चीज़ ही हम इन टेबल्स में भी पता करते हैं कि जो एक वैल्यू आप निकालते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं, और एक वैल्यू आपको टेबल में दी होती है, तो बेसिकली जो टेबल वैल्यू है दोज आर आपकी कोइंसिडेंटल वैल्यू, दोज आर कोइंसिडेंटल वैल्यू। तो कोइंसिडेंट की वजह से इतना काई स्क्वायर का मान आ सकता है, लेकिन यदि आपने जो कैलकुलेट किया है वो काई स्क्वायर इन टेबल वैल्यू से अधिक हो, इन वर्ड्स को आप नोट कर लें, यदि आपका कैलकुलेटेड काई स्क्वायर का मान आपकी टेबल वैल्यू से अधिक होगा तो ही वो सार्थक होगा। क्योंकि टेबल वैल्यू जो है वो कोइंसिडेंट को दर्शाती है, और यदि आपके द्वारा कैलकुलेट किया गया काई स्क्वायर का मान टेबल मान से कम होगा तो वहाँ वो सार्थक नहीं होगा। अर्थात मैं आपको बताऊं, जब हम करते हैं तो जनरली काई स्क्वायर में डीएफ जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं कॉलम माइनस वन और रो माइनस वन। ठीक है, कॉलम और रो का जो आता है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बीच में अगर साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब आप देखिए, यदि आपके पास दो कॉलम है तो आप टू माइनस वन कर देंगे, और सपोज़ आपके पास 3 रो हैं तो 3-1 कर देंगे, तो यहाँ आपके पास आएगा 1 इंटू 3-1 2 आएगा, और 2 × 1 आएगा आपके पास, 2 × 1 आएगा आपके पास अगेन 2। सॉरी, मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, एक बार आप देखिए। डीएफ जो है काई स्क्वायर का डीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ कॉलम माइनस वन एंड रो माइनस वन। तो यदि सपोज करिए आपका कॉलम 2 है तो 2-1, और रो आपके पास 3 है तो 3-1 आप कर देंगे, 2-1 1 रहेगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3-1 2 रहेगा, यानी, और 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि आपका जो डीएफ है वो 2 आया है। अब आप देखिए, आपको टेबल किस तरीके से देखनी है। जब डीएफ 2 है तो ये देखिए, यहाँ डीएफ दे रखा है, यहाँ ये डीएफ दे रखा है,
DF के ये सारे मान हैं। तो यहाँ पे आप 2 देखेंगे, और जनरली हम साइकोलॉजी में जो DF देखते हैं वो 0.05 और 0.01 पर देखते हैं। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, अभी फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये मान है 2 नंबर पे, यानी DF यदि 2 है तो आपके पास, यदि आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू 5.991 से ज़्यादा है तो आप कहेंगे आपका काई स्क्वायर का मान 0.05 पर सार्थक है। और इसी तरीके से यदि वो 9.210 से भी ज़्यादा है तो आप कहेंगे हमारा काई स्क्वायर का मान 0.05 और 0.01 दोनों पर सार्थक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू से वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप दोनों पे सार्थक कहेंगे। कहने का मतलब ये है, आप हमेशा देखेंगे 0.01 की जो वैल्यू है वो हमेशा 0.05 से ज़्यादा होगी। तो यदि कोई आपकी वैल्यू 0.01 पे सार्थक है तो इसका मतलब वो 0.05 पे पहले ही सार्थक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे काई स्क्वायर का मान 0.05 और 0.01 दोनों पर सार्थक है। परंतु यदि आपका काई स्क्वायर का मान यहाँ पे, यदि सपोज़ आपके काई स्क्वायर का मान हम इमेजिन करते हैं 6.321 आ गया, तो इसमें आप देखिए ये 0.05 वाली वैल्यू से तो ज़्यादा है परंतु 0.01 से कम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि काई स्क्वायर का मान 0.05 पर सार्थक है, पर सार्थक और 0.01 पे सार्थक नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट, जो आपका आंसर आया है उसका कंक्लूजन निकालेंगे। इसके भी अलग से पॉइंट होते हैं, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि 0.05 और 0.01 सार्थकता के स्तर का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को कहते हैं कि ये 2 ग्रुप हैं, ये 2 लड़कियां हैं, इसमें से ये अधिक इंटेलिजेंट और ये कम इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो कितनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, यानी आप अपनी बात में कितना वजन है, आप कितनी श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ए लड़की बी लड़की से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ए लड़की के 9 नंबर आए हैं और बी के 4 नंबर आए हैं। तो ऐसे में जब अगर गैप इतना ज़्यादा हो और जब सार्थक हो, तो मैं किस तरीके से बात करूँगी कि मैं कहूँगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर सार्थक है, तो मैं कहूँगी मैं मेरी बात को 99% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि 99% जो जिस बच्ची के 9 नंबर आए हैं वो 4 नंबर वाली बच्ची से अधिक इंटेलिजेंट है। लेकिन यदि किसी बच्ची के सिर्फ, जैसे मैंने बताया, 7 और 8 एक नंबर का गैप हो, तो मैं अपनी बात को उतनी श्योरिटी से नहीं कह सकती। तो ऐसे में मैं अपनी बात 50% 60% 70% श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि साहब हो सकता है 50% मुझे लग रहा है वो इंटेलिजेंट है, लेकिन 50% हो भी सकता है ना हो। तो ऐसे में साइकोलॉजी में आप जितनी भी जो स्टडीज़ करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जब आप उन पर स्टैट्स लागू करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपने कंक्लूजन की श्योरिटी दिखानी पड़ती है कि आप जो बात कह रहे हैं 2 ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है वो सार्थक है या नहीं है। तो ये हम 2 लेवल पर बात करते हैं, 95% और 99%। 95% यानी कि 0.05 की जब आप बात करेंगे तो आप अपनी बात को 95% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, और यदि आप अपनी बात 0.01 पर सार्थक बताते हैं तो वो 99% श्योरिटी को दर्शाता है। इसीलिए जब कोई बात 99% श्योरिटी के साथ आप बोलोगे तो 95% श्योरिटी तो ऑटोमेटिक हो गई। इसीलिए आप देखिए 0.05 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0.01 से कम ही रहती है। तो जब आपका काई स्क्वायर का मान यदि 0.01 पे सार्थक आ जाता है, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है, तो आप उसे सार्थक कहेंगे। और जब कोई 0.01 पे सार्थक है तो वो ऑटोमेटिकली 0.05 पे सार्थक ही होगा। और जब आप किसी में सिर्फ 0.05 पे सार्थक पाते हैं तो आप वहाँ लिखेंगे कि 0.01 पे वो सार्थक नहीं है। फिर से आप ध्यान कीजिए कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू।
ये टीवी नहीं है, ये टेबल वैल्यू लिखा है मैंने। आप इसको फिर से इस तरीके से अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिए कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, देन इट इज सिग्निफिकेंट, तो सार्थक है। और यदि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू तो सार्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ पेन नहीं है, मेरे को उंगली से ही लिखना पड़ रहा है, तो ये इसी तरीके की राइटिंग आ रही है। ये देखिए, आप इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपकी ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन है, जिस तरफ का मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यदि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू है तो वो सार्थक है, अगर इक्वल भी है तो भी सार्थक है, और अगर वो टेबल वैल्यू से कम है तो सार्थक नहीं है। यहाँ आप इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे, ये बताता है कि बड़ी या इक्वल होने पर वो सार्थक है, लेकिन यदि आपने जो कैलकुलेट किया है वो वैल्यू टेबल वैल्यू से यदि कम आती है तो आप उसको असार्थक कहेंगे या सार्थक नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से आप काई स्क्वायर का जो डीएफ है वो डीएफ का मान निकालकर आप अपने आंसर को इंटरप्रिटेट करेंगे, यानी उसकी व्याख्या करेंगे। ये दो लाइन की व्याख्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जब भी कोई प्रश्न करेंगे और ये टेबल्स आपको एग्ज़ाम में मिलती है, आप एग्ज़ाम जब स्टैटिस्टिक्स का हो तो उससे पहले आप अपने कॉलेज में टीचर्स को बता कर जाएं कि हमारा कल स्टैटिस्टिक्स का पेपर है तो हमें टेबल्स प्रोवाइड कराई जाए, और वहाँ पे जब आप काई स्क्वायर निकालेंगे तो पूरा निकालने के बाद आप डीएफ निकालेंगे और फिर आप वहाँ पे देखेंगे इस वाली ये जो आपकी टेबल होगी इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर। इस टेबल को खोलेंगे, इसमें आप डीएफ चेक करेंगे, आपका 2, 3, 5 जो भी डीएफ है उसमें आप 0.05 और 0.01 पे देखेंगे, 0.005 पे नहीं देखना है, ये आपके काम का नहीं है, इसे आप छोड़ देंगे। सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को आप चेक करेंगे और यदि इन दोनों वैल्यूज़ पे आपके द्वारा कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की मात्रा मान जो है वो अधिक आता है तो सार्थक है, और यदि आपके द्वारा कैलकुलेटेड किया गया मान दोनों स्तर से कम आता है तो वो सार्थक नहीं है। इस तरीके का आप इंटरप्रिटेशन अपने आंसर में लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे भी मैं एक दो वीडियो जो आपको पहले टी टेस्ट करवाया था और दूसरे जो टेस्ट कराए हैं उनमें भी डीएफ वैल्यू निकाली गई है, उन डीएफ के बेसिस को किस तरह टेबल में चेक करना है मैं एक एक टेबल हर लेसन में लेके आपको समझा दूंगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।